वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज है 7 मार्च, कल हैगा होला महला। ठीक है, असी उत्थे पहुँच गए आनंदपुर साहब, गुरद्वारा आनंदपुर साहब जिहड़ा हैगा, ते 5 किलोमीटर का सफ़र होर रह गया। और सारा जिहड़ा सामने देखो क्राउड किन्ना है, संगत किन्नी ज़्यादा आई हुई है। इस टाइम हिसाब लगा सकते हो, सारे देश विदेश तो संगत दूरों चल के गुरद्वारे आनंदपुर साहब से होला महला जिहड़ा देखण आए हुए ने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2:15, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ 3 ਵਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 3:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ 1-1 ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸੋਈਏ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ,
सब होले महल दियाँ बहुत बहुत बधाइया पूरे देश जिन्हें जिन्हें देशवासी है होली की बधाई असी आज टाइम आनंदपुर साहब का देख आया होला महला तो यह देख लो संगत एक दूजे उपर रंग सुट रही हैं ते हुण असी लंगर छकन लगे हां सवेरे उस तो बाद तुहानू लेके जावांगे जिथे खेडां चल रही हैं होले महल दियां ओही तुहानू दिखाण लैके आए आनंदपुर साहब। चलो अंदर लंगर छकदे हां, देखो लंगर बंदा पिया, देख लो जी संगतां लंगर छक रही हैं। ते चलो छकदे हां जाके अंदर लंगर। क्या बात है जी, क्या बात है, देख लो जी, देख लो माहौल, देख लो आनंदपुर दी संगत पूरा आनंद ले रही जी होले महल का, रंग रंग होए पे ने। देखो ट्रालिया दे बह बह के सुट रहे उपरों है ट्रैक्टर, देखो जरा एक बार क्या बात है, सजे क्या वधिया लगते ने ट्रैक्टर, एक दूजे उपर सुट रहे ने, एक दूजे उपर उपर वो सुटते ने एक दूजे उपर ट्रक के उपर ट्रक, वो देखो ना बनता ना गल बनती है। देखो जी संगत का हाड़ आ गया एकदम, बहुत रश है हुण असी उत्थे जाना जिथे खेडां चल रही हैं जिस करके यह होला महला मशहूर है। अज तो जगह नहीं जे कहते 40 लाख का संगत का हाड़ा है। लो जी दर्शन कर लो सारे आनंदपुर साहब के। हाँ जी, सो फाइनली आप उस जगह पर पहुँच गए जिथे होले महल दियाँ खेडां होंदियां उस ग्राउंड पर पहुँच गए। थोड़ी देर होर रह गई है, उस तों बाद शुरू होएगी जी निहंग सिंह दियाँ खेडां होंदियां घोड़सवार गतका और सब कुछ इत्थे चलूगा। सामने एक बार देख लो ग्राउंड, सामने आ देखो जी ए ओ ग्राउंड है जिथे थोड़ी देर च ही होनी निहंग सिंह सारी फौजां आणगियां, उस तों बाद इत्थे इहदा नज़ारा ही वखरा हो जाएगा। सारी संगत देखो इंतजार कर रही है। यह स्टेडियम है आनंदपुर साहब जिहड़ा हैगा तो गुरद्वारा साहब इत्थों 1 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी देर बाद इत्थे सारी निहंग सिंह दियां लाडलियां फौजां आ जाणियां। ग्राउंड च जाके एकदम देखदे हैं नज़ारा की बनता है, क्लोज च जाके उन्हां नूं कैप्चर करदे हैं जिहड़े निहंग सिंह इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लैंदे हैं, यानी कि ईवेंट स्टार्ट होने वाला उस तो पहले दी प्रैक्टिस चल रही है, उन्हां नूं कैप्चर करदे हैं जाके। एक बार हुण अंदर लैके चलते हैं ग्राउंड च ना, असीं ग्राउंड च जाके एकदम देखदे हैं नज़ारा की बनता है, क्लोज तो जाके उन्होंने कैप्चर करते हैं जिहड़े निहंग सिंह इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कि ईवेंट स्टार्ट होने वाला उस तो पहले दी प्रैक्टिस चल रही है, उन्होंने कैप्चर करते हैं जाके। एक बार प्यारा है, हेलो सत श्री अकाल जी,
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। छोटे लाल गुरु दे लाल, ये तुहानू इस टाइम पूरा दिखा रहे हैं किदा इत्थे हुण थोड़ी देर च इत्थे ही घुड़सवार गतका इत्थे ही शुरू हो जाना। देखो होले दा मतलब हैगा कि आपां हल्ला बोलना है, ठीक है, किसी भी जगह पर मतलब असीं जंग करन जा रहे होईए ते हल्ला बोलना है। तो जिहड़ा मोहल्ला मतलब हुंदा है कि जगह ते फतेह करनी है, तो यह मतलब हुंदा होले महल्ले का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों खालसा आर्मी साझी सी, यानी कि उस टाइम की गल है, तो उस टाइम खालसा आर्मी नूं जिदा लोग सारे होली खेलते सीगे, रंगा नाल खेलते सीगे, होर तरीके की होली खेलते सीगे, तो खालसा नूं यह होला महला सिखाया कि तुसीं अपनी मुगलों नाल जिहड़ा युद्ध करना है उस वास्ते तुहानूं होला महला, यानी कि तुसीं अपनी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, युद्ध अभ्यास करो। तो तां करके उस टाइम तो चलता आ रहा होला महला। गुरु गोबिंद सिंह दे टाइम तो उन्होंने 1701 यानी कि बोलते हैं कि पहला जिहड़ा दिन होंदा ना चेत महीने का, उत्थों स्टार्ट होया सी होला महला का जिहड़ा दिन हैगा। ऐ देखो शस्त्र नज़र आ रहे हैं हुण। देखो एक वो शस्त्र हैगा जिहड़ा इन्हें बोलते हैं तीर तीर कमान हैगा, देखो पर वो हैगा डिजिटल है, वो लेज़र के थ्रू। तो एक उन्होंने राइफल भी फड़ी हुई नाल, देख लो ये आ शान अपने गुरु के सिंघां दी। देखो शान 12:15 हो गए हैं, तो अराउंड 1 या 1:30 बजे तक इतने अपना होला महला जिहड़ा प्रॉपर इतने जो रंग तुहानू नज़र आएंगे। मेरा अपना लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने आके, है ना, क्योंकि सारे जो अपने सिंह नज़र आ रहे हैं उन्होंने देख के जरा रंग देख उन्होंने जो रंग ने उन्होंने वक्री रंग ने नीला जो रंग है ना, तो नीला बना देख के तो असली जो होली है बोलो असली जो इस दिन का जो महत्व है अज पता लग रहा है। तो थानू भी सिंगों सिखो अपने गुरु दिया जड़ियाँ चीज़ों उन्होंने अपनाओ, है ना, तो यह होला महला जरूर आओ, अपने बच्चों नाल लैके आया करो, तो देखा करो इतना आके। देखो छोटे छोटे सिंह ने, देखो ए फोटो खिचा रहे ने, पूरी फैमिली है देखो इन्हों की, कितने सोहने लग रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये शस्त्र ने अपने डिफेंस वास्ते, देखो ये डिफेंस वास्ते खालसा जी आर्मी होंदी सी जो गुरु गोबिंद सिंह के टाइम की युद्ध करते सीगे, ते आ शस्त्र पा के जाते सीगे निहंग सिंह फौजां जिहड़ियां जांदी सी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये देखो गतके की ट्रेनिंग चल रही है, आ देखो छोटा जा सिंह किदा इन्हें ढाल फड़ी, देखो यह जड़ी होंगी है शस्त्र। देखो खालसा का रंग नजर आ रहा हूँ धीरे धीरे, जिदा जिदा टाइम अगे वधदा है पूरा खालसा का रंग नजर आ रहा है।
ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ होप है तुहानू ए सारे जिन्हें भी असी सिनेमैटिक शॉट्स लै रहे हैं तुहानू वधिया लग रहे होवांगे अज दे दिन मैं सिर्फ सिनेमैटिक शॉट काफ़ी अच्छे अच्छे लै रहा तुहानू दिखाने वास्ते कि जिहड़े होला महला चल रहा है उत्ते किदां दे व्यू लग रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ देखने वाले व्यूज़ ने इहदे ते कोई कमेंट नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते यह सिर्फ देखने ही कितने सोहने लग रहे हैं हाले इस तो बाद जो मेन है वह घोड़ सवारी हैगी है जो इतने घोड़ियां की दौड़ लगनी है देखना चारों पासे फिर देखना इतने रौनक कितनी लगनी है वो बस उ एक व्यू रह गया हूँ वेट कर रहे हैं आप ठीक है 3-3.5 घंटे हो गए तो बहुत अच्छे अच्छे व्यू कैप्चर कर रहे हैं अगे भी इस व्लॉग से बड़े अच्छे अच्छे व्यू आने वाले ने मेन जो आने वाला वो है घोड़सवार होली मनाउंदी है सिंह होला मनाउंदे ने दुनिया सौंदी है खालसा बराजदा सौंदी ने सुसरी है ना आओ सरवण करिए भोले दे प्रथाए छंद लिखिया होया मेरे वीर लवप्रीत सिंह ने सरवण करो फौका ना कमीशन जथा आप जी दी सेवा विच भोले दे प्रथाए छंद बेनती कीती जा रही है जो अकाली बाबा जी बाबा खोला सिंह साहब जी का पैरा सी और सब बुढ़े लगते छेवे जथेदार सिंह साहबान जी Thank you.
होप है तुहानू ए व्लॉग पसंद आया होएगा। तो खेडा देखन तो बाद हुन आपां वापस दिल्ली वल रवाना होवांगे। तो ऐ असी एक निहंग वीर दी बाइक तो लिफ्ट लैके वापस आनंदपुर साहब तक पहुँचे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾ 360 ਦੇ ਸ਼ੋਰਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਮਸ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲੋਗਰ।